Caesar will give rise primary permanent issue through primary meristem after differentiation. पीछे बता दिया मैंने differentiation, redifferentiation, redifferentiation. Clear? तो आपके through meristem give rise primary meristem. ठीक है भाई. Primary meristem after differentiation will give rise primary permanent tissue. ये primary permanent tissue बना दी. ठीक है भाई. Primary permanent tissue और primary जो आपके meristems की बात करूं मैं अगर बेटा जो प्राइमरी मेरिस्टेम से एज इन केसेस ऑफ मैंने कहा ये स्टार्टिंग से कौन एपिकल मेरिस्टेम रूट शूट टिप तो रूट और शूट की जो एपिकल टिप्स हैं वो कौन है आपके प्राइमरी मेरिस्टेम रूट टिप शूट टिप आपके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो भी प्राइमरी मेरिस्टेम तो आपके एपिकल मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम है एंड इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम ये टर्म यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं इंट्रा फेसिकुलर यहाँ एक टर्म मिलेगा इंटर फेसिकुलर इंट्रा और इंटर स्ट्रम को समझेगी पहले देखेंगे इंट्रा एंड इंटर फेसिकुलर कैम्बियम की बात करने जा रहा हूं मैं जस्ट लुक एट हियर ठीक ये टर्म बताई बेटा हमने देखिए हम क्या करने जा रहे हैं आपने स्टेम हो या रूट हो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं जहां पर कैम्बियम है चलिए एक एक हम बना रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर ये हमने क्या किया एक बनाई है मैंने एक्चुअली वास्कुलर कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम की बात है लेकिन वास्कुलर कैम्बियम पहले दिन से ऐसी कभी नहीं हुई थी वास्कुलर कैम्बियम ये फ्रॉम स्टार्टिंग इट वाज नॉट लाइक दिस ठीक है भाई तो कैसी होती है अब वो देखो फ्रॉम स्टार्टिंग इट वाज नॉट लाइक दिस कोई शुरुआत से ही ऐसी थी नहीं तो कुछ चेंज होगा देख लेते क्या चेंज है ऐसी थी ये प्रो मेरिस्टेम है ना प्रो कैम्बियम प्रोकैम्बियम यानी कि ये जो बनी है आपने एक मैंने क्रम यूज किया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंट्रावास्कुलर कैम्बियम ही इंट्रावास्कुलर कैम्बियम द कैम्बियम विच प्रेजेंट इनसाइड वास्कुलर टिश्यू जालम फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में मतलब उनके अंदर कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर देखेंगे मैंने बना दिया अंदर की साइड बेटा जाइलम ये मैं जाइलम बना रहा हूँ और मैंने बाहर की साइड बना दिया दूसरे कलर से फ्लोएम बीच से मैंने क्या किया अंदर की साइड मैंने बना दिया बड़ा जाइलम बाहर फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम यू गॉट इट तो बिटवीन द जाइलम फ्लोएम जो कैम्बियम बनी है ये वाली जो बीच में बनाई है दिस इज कॉल्ड इससे बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इट प्रेजेंट इनसाइड वास्कुलर टिश्यू क्योंकि शुरुआत से थी इसलिए क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम शुरुआत से प्राइमरी मेरिस्टेम है डन ऑनर जी ठीक है प्राइमरी मेरिस्टेम है फिर टर्म मैंने यूज किया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर एक्चुअली यहाँ पर बीच में कौन होगा बीच आप बनते हैं हमेशा पिथ पिथ इधर आप देखो डाइकोट्स वगैरह में तो बीच पिथ है ठीक है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म ये बीच जो पिथ दिख रहा है बड़ा इसमें ग्रोथ जब होती है इसे बोलते हैं पिथ रेज और मेडुलरी रेज ये पिथ है पूरे यहाँ पर सेल्स हैं टिश्यूज हैं जब ये जालम ग्रो करेगा ग्रोथ होगी तो ये जो जालम है प्राइमरी जालम दे स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर इस सेंटर की मूव करेंगे तो जब ये सब सेंटर की मूव करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम लोग ये सब सेंटर क्यों मूव करेंगे तो जो टिश्यू इन पे प्रेशर लगेगा कि नहीं देन दीज सेल ये जो आपके पिथ हैं ये पिथ स्टार्ट्स टू मूव लाइक दिस ये यहां चलेगा यहां चला गया ये चलेगा ये ऐसे चलेगा ये ऐसे गया ये ऐसे आपके एक कौन यहां चलेगा ये पिथ है व्हिच मूव इन द फॉर्म ऑफ लाइंस रेज की तरह मूव कर गए व्हिच फाइन रेज इसे नाम दिया जाता मेडुलरी रेज और पिथ रेज मेडुला टर्म आप जानते हैं बेटा जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा कॉर्टेक्स और मेडुला आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं इनर रीजन को मेडुला इसलिए नाम दिया मेडुलरी रेज इनर से अंदर से बाहर की ओर भाग रहा है अब यही जो मेडुलरी रेज है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अब बनेगा ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये बना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अब मुझे बताओ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कब बन रहा है लेटर ऑन
इट वॉज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से तो नहीं था, शुरुआत से कौन था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, लेटर ऑन कौन बना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो इंटर एंड इंट्रा ये दोनों जुड़ जाएंगे, इंटर एंड इंट्रा जब ये दोनों जुड़ेंगे देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ वास्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम रिंग ये बनती है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपको जब भी देखेंगे ऑप्शन में मिलेगा आपको इंटर एंड इंट्रा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, वाले इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, वो सेकेंडरी, क्लियर नहीं, हम सेकंड केम बैक। चलिए अभी स्लाइड्स पर आ जाते हैं। तो बात की मैंने किसकी की, इन केसेस ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दे रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम कहां पर है, एपिकल पर, मैंने कहा सूट अपेक्स रूट अपेक्स ये दोनों प्राइमरी है, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी है, एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट इज आल्सो प्राइमरी। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर हुई हमारी। ठीक, अब आप देखें इंट्राफेसिकुलर बात हुई, यही प्राइमरी परमानेंट शू, प्राइमरी परमानेंट शू आफ्टर डी डिफरेंसेशन, प्राइमरी परमानेंट शू से प्राइमरी मेरिस्टेम से बनाता प्राइमरी परमानेंट शू आफ्टर डिफरेंसेशन, आफ्टर डिफरेंसेशन, नाउ प्राइमरी परमानेंट शू आफ्टर डी डिफरेंसेशन, आफ्टर डी डिफरेंसेशन विल गिव राइज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इससे प्रोमेस्टेम ने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया और इसने आपको इस नीचे वालों को बनाएगा, सुनेंगे, यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आफ्टर डी डिफरेंसिएशन विल गिव राइज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर रीडिफरेंसिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर रीडिफरेंसिएशन विल गिव राइज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये डिफरेंसिएशन रीडिफरेंसिएशन बहुत अच्छे से समझ, ए दे विल गिव राइज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, समझेंगे बन सके, फिर बता रहा हूं मैं, प्रोमेरिस्टेम गिव राइज प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम आफ्टर डिफरेंसिएशन, आफ्टर डिफरेंसिएशन विल गिव राइज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यानी डिफरेंसिएशन हो गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आफ्टर डी डिफरेंसिएशन विल गिव राइज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, डी डिफरेंसिएशन भी होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर रीडिफरेंसिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर रीडिफरेंसिएशन विल गिव राइज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। चलिए नाम आ गया सेकेंडरी, मींस टू से दीज आर द टिश्यू विच वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से नहीं थे, बाद में आए, बात क्लियर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट दे स्टार्ट्स टू फॉर्म, ये बाद में बनी, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये बाद में डेवलप हो रहे हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर बात करूँ तो कैसे बनते हैं, जैसे आप अंत बनाते हैं, अगर बात करूँ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम डाइकोट्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म में, ये चाहे उनके रूट हो या सूट हो दोनों में, तो मैंने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम दे आफ्टर रीडिफरेंसिएशन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, मैंने कहा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अभी बात की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट, आप समझेंगे मेरी बात, जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां जो बनता है उसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, जो वास्कुलर सिस्टम के अंदर बनी है उसे बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम मैंने डिफरेंसिएशन दिखाया था फैलेम से, फैलेम फैलोजन फैलोडर, फैलेम दैट इज कॉल्ड कॉर्क, फैलोजन दैट इज कॉर्क कैम्बियम, फैलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बात क्लियर, सब बाद में बनी कि नहीं, ये रीडिफरेंसिएशन से बनेगी, सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगी, क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया आपका, डाइकोट की रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसलिए वो भी हो गया आपका वास्कुलर कैम्बियम, गेटिंग एनर्जी, ये बात हो गई। तो हमने कहा कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैन बी हो, ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं हम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, इन पढ़ने हमें इसमें एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ये तीन पढ़ेंगे। एट द नेम क्लियर, एपिकल मींस टू से दीज आर द मेरिस्टेम व्हिच प्रेजेंट एट द एपाइसिस, रूट टिप शूट टिप, शूट मेरिस्टेम रूट मेरिस्टेम यही बने, एक्चुअली रूट टिप शूट टिप जो होते हैं दीज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी
एपिकल मेरिस्टम दे आर प्राइमरी मेरिस्टम, ये इंटरकैलरी भी प्राइमरी होता है। तो एपिकल मेरिस्टम दे प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी आपका जो रूट टिप है, शूट टिप है, वो सब इसी के बेस है। दे आर द प्राइमरी मेरिस्टम, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है, मेजर पार्ट्स फॉर्म बाय दीज प्राइमरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की जो लंबाई बढ़ रही होती है ना, वो दैट ऑल ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम। बात करें इनके वजह से बढ़ती है, ठीक है भाई, प्लांट की लंबाई बढ़ गई है, प्राइमरी मेरिस्टम है, रूट टिप शूट टिप वाली बात हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम इज द नेम क्लियर, इंटर एंड इन बिटवीन। तो जो अभी डायग्राम वाइज में आई विल टेल यू, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम, दीज आर द मेरिस्टम विच प्रेजेंट, इंटर कैलरी मेरिस्टम कौन हुई बेटा, दीज आर द मेरिस्टमेटिक टिश्यू विच प्रेजेंट और इंटरकैलेटेड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, इंटरकैलेटेड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। जरा आप अभी एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, दी तो इंटरकैलेटेड मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलेटेड यानी इन बिटवीन, इंटरकैलेटेड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में प्रेजेंट। एक्चुअली दे आर ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टम, वैसे देखा जाए तो दीज फॉर्म फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम। आप सोचिए एपेक्स आगे बढ़ता चला जा रहा, तो ये एपेक्स बढ़ता जा रहा तो इसकी जो सेल्स है तो पीछे रह जा रही, ये यहाँ बना फिर आगे बना फिर आगे बना फिर आगे बना, यहाँ भी पहले यहाँ एपेक्स थे, अभी यहीं रह गया, इसके आगे तो ये सेल हॉलो तो नहीं है, यहाँ भी सेल्स बनती जा रही है। तो एपिकल मेरिस्टम ऊपर होता जा रहा है एंड जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, जो सेपरेट सेल्स होते जा रही है एपिकल मेरिस्टम से, दे आर इंटर कैलरी मेरिस्टम। दैट्स व्हाट दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये भी प्लांट की लेंथ बनाती है। स्पेशली ये सोचो इन केसेस ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस में क्या होगा बड़ा, ग्रेजिंग एनिमल गोट वगैरह ग्रास खा गई आपको, और जब वो ग्रेजिंग एनिमल्स जो है व्हेन दे ग्रेज द ग्रास, व्हाट विल हैपन, जो एपिकल मेरिस्टम था वो तो खत्म हो गया भाई, उनकी टिप तो टूट गई, खत्म हो गई। और एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, अब प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टम था, अब वो तो वो खा गए, अब क्या। स्टिल यू कैन वॉच इन केसेस ऑफ ग्रासेस, अभी भी ग्रास बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, अब कैसे बढ़ रही है, अब तो एपिकल मेरिस्टम है नहीं, दीज आर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की स्पेशली ग्रास है, इक्विसिटम है, मिंट है, ये इनकी लीव्स वगैरह इनकी लेंथ बढ़ा रहे हैं। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम दे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पर प्रेजेंट होती है, ये इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होती है, यानी नोड के ऊपर इनके सब ग्रास, अबव द नोड इनके सब मिंट, बिलो द नोड वहां प्रेजेंट हो जाएंगे आपके, रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये भी प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ गया आपका लेटरल मेरिस्टम, इज द नेम क्लियर, लेटरल मेरिस्टम। तो जब आप छोटी होती है, जब आप एडोलेसेंस एज में आते हैं, कि लंबाई बढ़ती है एपिकल मेरिस्टम की तरह। प्रैक्टिकली क्या है कि देखिए इनके सब प्लांट एंड एनिमल में अगर ग्रोथ की बात कर लूं, तो जो प्लांट की इनिशियल ग्रोथ तो दोनों में होती है डिफ्यूज, दे आर ग्रोइंग इन ऑल द वे, हर डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही थी इक्वली, बट वेरी सून इन प्लांट्स ग्रोथ विल बी लोकलाइज्ड। अब एपिकल मेरिस्टम आ रही है कि लेटरल मेरिस्टम आ रहा है, लोकलाइज्ड हो गया है, बट एनिमल में जो ग्रोथ होती है दैट इज डिफ्यूज, स्टिल डिफ्यूज रहती है। तो एनिमल की ग्रोथ क्या है, डिफ्यूज, और प्लांट की ग्रोथ है लोकलाइज्ड, कि वो लेटरल मेरिस्टम बढ़ रहा है कि एपिकल मेरिस्टम बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। इन केसेस ऑफ लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम पहली चीज क्या हुई, इज सेकेंडरी मेरिस्टम, मींस टू से इट फॉर्म लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब प्लांट और ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम लेटरल मेरिस्टम विल फॉर्म, यानी बाद में बढ़ेगा, ठीक है भाई। एक द नेम के लिए लेटरल, दिस प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, प्लांट के लेटरल साइड में, दैट्स व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द गर्थ, विड्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट की थिकनेस बढ़ा रहा है, ट्री और मोटा हो रहा है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, एट दैट टाइम लेटरल मेरिस्टम विल हुआ। तो लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम, दे विल अपीयर लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर है। दे प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड में प्रेजेंट, सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज गर्थ, और विड्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट का डायमीटर बढ़ाने में काम कर रहा है, प्लांट की स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ के समय स्टेम का डायमीटर बढ़ेगा, क्लियर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ तो एज बीनो सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम इज सेकेंडरी मेरिस्टम, बट स्टिल अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम,
बोथ आर लेटरल मेरिस्टेम. अभी तो हमने क्या कहा था, लेटरल मेरिस्टेम्स आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, कहा था कि नहीं. बट इसी में मैंने नाम दे दिया इंट्रा और इंटर, दोनों ही वास्कुलर कैम्बियम बनाती है और दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. लेकिन जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है और इंटर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, अल्फा हो गया. अभी वही चीज करवाने जा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल की बात कर ले तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये सब कौन है आपके लेटरल मेरिस्टेम. जब अब पंगा आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी का, तो आप लेटरल मेरिस्टेम को दो में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम आप दो में डिवाइड करिए.